गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, जहां हम बात करने वाले हैं अपने हमारे जो भी एडवर्टाइजिंग के जो कैंपेन है या जो हम उस पर खर्च करते हैं या जो भी प्रोग्राम्स हम एडवर्टाइजिंग के लिए बनाते हैं, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि वो उनका इवैल्यूएशन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या एडवर्टाइजिंग उतनी इफेक्टिव है या उतनी प्रभावशील है, या वो कस्टमर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो पाई है या नहीं। हमारे जो उद्देश्य हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो या वो सेल में इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव हो, क्या हम उन उद्देश्यों में सफल हो पाए हैं या नहीं पाए। तो उसके लिए हम देखेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ टेस्ट जो विज्ञापन करवाने से पहले किए जाते हैं। ऑब्वियसली ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम पता लगाना चाहेंगे कि वेदर आवर और एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर प्रॉपरली इफेक्टिव और नॉट। तो कुछ टेस्ट हैं जो हम एडवर्टाइजिंग से पहले में भी हम उसका इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो, या उस कुछ ऐसे परीक्षण होंगे जो हम विज्ञापन के दौरान, जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई भी एड रेडियो पे या टीवी पे कंटिन्यू है, तो उसके बारे में कस्टमर से राय लेना चाहें, तो क्या उन टेस्ट की मदद से भी हम ये चेक करेंगे कि कितना फ़र्क है, कितना असर है हमारे विज्ञापन का हमारे कस्टमर पर। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें इस सब करने की क्या ज़रूरत है, वाई वी आर डूइंग सच थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो भी खर्च हम करते हैं, जो हम बजट में डिसाइड करते हैं कि हम इतना बजट का इतना पोर्शन जो है अपने विज्ञापन पर खर्च करेंगे, क्या वो जस्टिफाई करने लायक है। ऑब्वियसली एक बड़ा अमाउंट हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का, एक सफिशिएंट वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगी, एक इतना अमाउंट जो हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट को जो पॉपुलैरिटी दिलवाने के लिए ज़रूरी है, और वो हम विज्ञापन के तौर पे खर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली उसको भी एक जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। कहीं हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं इस पैसे को वेस्ट किए बगैर या यूज़ किए बगैर हम अपने प्रोडक्ट को उतनी पॉपुलरिटी दिलवा सकते थे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आफ्टर एडवर्टाइजिंग उस प्रोडक्ट को मिलेगी। तो ये चेक करना भी ज़रूरी है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे हमें वो हमारे लाभ, वो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। उसके अलावा फिर आ रहा है कि एक्सरसाइज करना, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजिंग। तो ऑब्वियसली कोई भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजिंग के, तो हम डेफिनेटली ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स कि हमें हमारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन को या प्रोग्राम को इवैल्यूएट करके उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर कहीं पर भी हमें लूप होल्स नज़र आएंगे, तो और डेफिनेटली हम वो सारे स्टेप्स उठाएंगे जिसकी वजह से हम इन कार्यक्रमों को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। टू इवैल्यूएट एड कॉपी, इवेल्यूएट एड कॉपी का मतलब कि हम जो भी मैसेज तैयार करके कस्टमर के आगे पेश करते हैं, जो मैसेज दिया जाता है, जो स्लोगन है, जो जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम अपने कस्टमर के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या वो सफिशियंट है, क्या उससे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, क्या हमारा स्लोगन जो एड में दिया जा रहा है, क्या वो हमारे ऑडियंस को लर्न हो गया, याद हो गया है, उनको अच्छा लगा है, क्या ये हमारी अपील जो हम विज्ञापन के ज़रिए दे चुके हैं या देना चाह रहे हैं, क्या वो उतनी इफ़ेक्टिव होगी। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके इनको चेक करना होगा। टू कंपेयर डिफरेंट मार्केट एरियाज़, यहाँ पे भी ये सीन रहेगा कि हम ऑब्वियसली अपने मार्केट के एक बड़े पोर्शन को कैप्चर करना चाहते हैं, हम अपने मार्केट के किस एरिया में अपनी पॉपुलैरिटी लाना चाहते हैं, किस एरिया में हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है,
राइट। तो पास्ट के एक्सपीरियंस से भी और फ्यूचर के भी कुछ यू नो रिसर्च वर्क के या करके या फिर कुछ इमेजिनेशन से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा एरिया मार्केट किस इस मार्केट एरिया या मार्केट एरियाज जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उनका कंपैरिजन करके हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा एरिया रहेगा। तो ये भी एक ज़रूरी ज़रूरत है इस इवेल्यूएशन को चेक करके और अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने की। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इफेक्टिव मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। डेफिनेटली लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीडिया का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेम मीडिया की शेड्यूलिंग भी है। हम किस मीडिया का चुनाव करने कर रहे हैं या हमें किस मीडिया का चुनाव करना चाहिए, कौन सा मीडिया हमारे लिए मोस्ट परफेक्ट रहेगा, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, किस प्रोग्राम के ज़रिए, किस चैनल के ज़रिए राइट हम अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात शेड्यूलिंग की है तो चैनल पर जो भी आप चैनल इस्तेमाल करते हैं मीडिया का या जो भी आप मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टाइमिंग क्या रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एडवर्टाइजिंग को अफेक्टिव बनाना चाहते हैं और अफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें। टू नो द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। डेफिनेटली जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है तो उस समय उसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो कस्टमर की नॉलेज में अभी नहीं है। एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद और उसकी एक पर्टिकुलर पॉपुलैरिटी सेट होने के बाद मैन्युफैक्चरर को ये एहसास हो सकता है कि अब हमें अपने एडवर्टाइजिंग बजट में कटौती करनी चाहिए। मीन्स कि एक लिमिट के बाद हम अगर एडवर्टाइजिंग पे कुछ खर्च करते हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलता है वो कॉस्ट से कम होगा, यानी उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे कि एक लिमिट के बाद हमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को कट करते चले जाना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम इसको अच्छे से इसका इवैल्यूएशन करेंगे, इसको मेज़र करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू रिड्यूस वेस्टेज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें लग रहा है कि एडवर्टाइजिंग उतना प्रभावशाली साबित नहीं हो पा रहा है, रीज़न ये भी है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही ऐसा फैक्टर नहीं है जो सेल इंक्रीज़ कर सकता है, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द इंक्रीज़ इन सेल। सो सिर्फ हम एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी राइट। तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो एडवर्टाइजिंग से कम स्ट्रॉन्ग हैं या ज़्यादा। अगर एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा जोर देने से हमें लग रहा है कि हमारा जो टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली हम एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें लग रहा है कि ये एक वेस्टेज साबित हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज़ टू कीप इन टच विद न्यू ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो कस्टमर के साथ अटैच होने का, कस्टमर के टच में रहने का, कस्टमर को कन्विंस करने के तरीके जो है आए दिन बदल रहे हैं। रेडियो टीवी से स्टार्ट करके हमारा ऐड जो है अब इंटरनेट तक पहुंच गया है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी जो सोच में टाइम टू टाइम परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी, या ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि यस हमें एडवर्टाइजिंग अफेक्टिवनेस को मेज़र करते रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्रोचेस ऑफ इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग अफेक्टिवनेस। मीन्स कौन कौन सी ऐसी विचारधाराएँ हैं जो हमारी एडवर्टाइजिंग की अफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने में हेल्प कर सकती है। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस। नंबर वन इज सेल अफेक्ट अप्रोच एंड नंबर टू इज कम्युनिकेशन अप्रोच। सेल अफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि विज्ञापन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और हमारा जो सेल है वो हमारे एडवर्टाइजिंग की सफलता पर डिपेंड करता है।
तो अगर हमारा एवेल्यूएशन, अगर हमारा एडवर्टाइजिंग स्ट्रांग होगा देन वी कैन इंक्रीज आवर सेल्स। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता जितना हम ये मानकर चल रहे हैं, कारण कि बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ अपना रोल प्ले करते हैं। हालांकि देर आर वेरियस मैथड जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, देर आर वेरियस टेस्ट जो हम देखेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कि जो एड्स में हम दिखा रहे हैं उसका असर हमारे कस्टमर पर, हमारे ऑडियंस पर, लिसनर पर क्या हो रहा है। लेकिन ये एक अलग चीज़ है। एक्चुअली सेल में जो बदलाव आता है टाइम टू टाइम, दैट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब आपके अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेकार है तो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने इस प्रोडक्ट को जो बेकार है उसको चला नहीं सकते। सिमिलरली आपका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, पैकिंग है, राइट, इवन मैं तो ये बात भी कहूँगी कि हमारा बिहेवियर भी बहुत हद तक मैटर करता है, राइट, हमारी अप्रोच, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड, ये चीज़ें भी ठीक है, वो हमें उतनी आसानी से हम जज नहीं कर पाते डेफिनेटली, लेकिन इनका जो उसका इम्पैक्ट है वो हमारी सेल पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली ज़रूर पड़ता है। तो जो हमारी अप्रोच है उसमें तो हम यही मानकर चलेंगे, अगर हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस देखना चाहते हैं कि इससे सेल इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ओके, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स पे जाएंगे। अब दूसरी बात जो आ रही है वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट की। तो हमारा जो मेन काम है, हमारा मतलब विज्ञापन का जो मेन काम है क्या है, कस्टमर को कुछ बताना, इन्फॉर्म करना, कन्विंस करना, उसको याद दिलाना, राइट। अभी अगर हमारा मैसेज उस तक पहुंच गया है लेकिन वो बात नहीं बन पा रही, या कस्टमर कन्विंस नहीं हो पा रहा, या उसकी समझ में वो चीज़ नहीं आ रही, इट मीन्स कि हमारा एडवर्टाइजिंग उतना अफेक्टिव नहीं है। हमारा स्लोगन लोगों को याद नहीं होता, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग उतना नहीं बता पाते। वाई? मे बी योर एडवर्टाइजिंग स्लोगन, योर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉट सो मच इम्प्रेसिव लाइक अदर्स। सो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले में हमने ये देखा कि सेल का इंक्रीज हुआ है तो उसको आधार मानकर हम इसकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, और दूसरी बात में हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन कितना हमारा अफेक्टिव रहा है। जितनी अच्छे से आप अपने ऑडियंस के को इम्प्रेस कर पाते हो अपनी बात से, अपने मैसेज से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी सेल पर हो सकता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टीज इन एवेल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अभी तक तो हम कह रहे थे कि यस, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को एवेल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां आती हैं हमारे सामने। वो क्या क्या हैं एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप कितना मर्जी सोच लें, बोल लें, मान लें कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही है जो आपके प्रोडक्ट की रातों रात जो है दिशा बदल सकती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ सेल को इंक्रीज़ करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका, अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग। तो ऑब्वियसली सिर्फ आप ये मानकर चलें कि एक एडवर्टाइजमेंट देने से उस पर उसका रातों रात असर होने वाला है, ऐसा नहीं है। आज अगर कोई सेल आपकी इंक्रीज हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्टाइजिंग जो आप लेटेस्ट दे रहे हो उसका बेनिफिट है। नो, मे बी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडवर्टाइजिंग से प्रभावित ज़रूर होते हैं, बट समय एट द सेम मोमेंट वो परचेज नहीं करते हैं। आई थिंक रेयरेस्ट लोग ऐसे होंगे जो विज्ञापन देखते ही तुरंत जो है डिसीज़न ले लेंगे। नो,
क्योंकि डिसीज़न लेने के पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आपको उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। सिर्फ विज्ञापन अच्छा लगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत मार्केट में दौड़ जाओगे और फटाफट उस चीज़ को खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो आज का जो आप जो सेल देख रहे हो या जो आप मार्केट में जो प्रभाव देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एडवर्टाइजमेंट का है जो अभी चल रही है। मे बी वो बहुत पहले की एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है या वो सर पहले का भी हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट द अफेक्टिवनेस। कैसे? गुडविल, हाँ, अफेक्टिवनेस ऑफ गुडविल एडवर्टाइजिंग। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा होता है कि कई बार जैसे बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिग हाउसेस जो किसे कह सकते हैं, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, वो क्या करते हैं पॉपुलरिटी के लिए, वो सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज खोल देना, चैरिटी करना, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना, सोशल मुद्दों को डिस्कस करना, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, इससे क्या होगा कि उनकी गुडविल बन जाती है। अभी वो गुडविल उनके उन कामों की वजह से बनी है, लेकिन वो चीज़ें उनको पॉपुलैरिटी भी दिला रही हैं। तो मे बी ये भी हो सकता है कि उस वजह से उनको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली है बजाय टीवी या रेडियो पर उनकी नॉर्मल कमर्शियल एड्स की वजह से। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉपुलैरिटी या ये जो हमारी सेल में इंक्रीज़ हुआ है वो किसका असर है, राइट? नेक्स्ट इज़ एड अफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट सफिशियंट इन इट्सेल्फ। मतलब क्या है, मैं वही बात कर रही हूँ, फिर से वही पॉइंट देखो आ गया है कि आपका प्रोडक्ट वो तो बाद में यूज़ होगा, पहले तो हम देख रहे हैं टीवी पर उसकी ऐड आ रही है। ओके, अभी वो ऐड बहुत अच्छी लगी आपको, राइट? बट क्या आप तुरंत उस ऐड के से जो है प्रभावित होकर उस प्रोडक्ट को खरीदने का विचार लेकर मार्केट के लिए निकलते हैं? ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, संचार तो बहुत बढ़िया किया अगले ने, जो भी एडवर्टाइजमेंट में कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है या कोई मॉडल बोल रहा है या कोई आप कोई कुछ मैसेज सुन रहे हो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का, उसका असर भी आपके ऊपर बहुत अच्छा हुआ है, आपको बहुत पसंद भी आया है, बट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव तो उसका हो गया कम्प्लीट, क्योंकि उसने अपने बात आपके आगे रख दी और आप समझ भी गए। लेकिन सेल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तब जब वाकई में उस चीज़ की सेल होगी, यानी कि वो प्रोडक्ट उसके घर पे जाएगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सिर्फ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव पूरा होने से हमारा सेल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो, ऐसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैथड फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग अफेक्टिवनेस। अभी आप देखने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं, पर कोई भी एक मेथड आपको सुटेबल नहीं लग सकता। कारण, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हमारा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी हम टेस्ट करेंगे या हम जो परीक्षण करेंगे उसके सबके सेम रिज़ल्ट आए ये ज़रूरी नहीं है, और कोई एक मेथड कंफर्टेबल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। नॉन सजेस्टिव इन नेचर, नॉन सजेस्टिव का मतलब क्या है? हमारा एडवर्टाइजिंग बढ़िया था या बढ़िया नहीं था, दो ही बातें होंगी। हमारा एडवर्टाइजिंग से जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था वो आया या वो नहीं आया, दो ही बातें हैं ना, दोनों में से एक हो सकती है। ये तो बता दिया कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्यों नहीं पड़ा वो रीज़न नहीं बताए, है ना? और उनको कैसे हम इम्प्रूव करें वो भी नहीं बताता। हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे माँ हम जो है ना पेपर में नंबर कम आए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि क्यों कम आए और हम इनको कैसे ठीक करें। यहाँ वो हमारे को सजेशन नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ इवेल्युएट करके बता रहा है, हमें को ये नहीं बता रहा है कि हम उसको ठीक कैसे करें। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट परसेंटेज रिस्पॉन्स। मतलब क्या है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब जब आप ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना एडवर्टाइजिंग को इवेल्युएट करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, हम देखते हैं कि कितना बढ़िया है हमारा और कितना असर हुआ है उसका, राइट? अब उसके लिए कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने कस्टमर्स को बाय पोस्ट एक चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि बताइए आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, या आपने ये ऐड देखी कि नहीं देखी, इस ऐड से आपको कुछ समझ में आया, आप क्या हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे।
तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, आपने बाई पोस्ट भेजा और उन लोगों का जवाब आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि उन्होंने कितने ने ऐड देखी और कितनों ने उनमें से चीज़ खरीदी, कितने नहीं खरीदी, सिंपल। लेकिन अब कुछ ऐड्स हम रेडियो पे भी देते हैं, टेलीविज़न पे भी देते हैं, राइट। अब हर कस्टमर हर चीज़ तो नहीं याद रख सकता कि उसमें से कितने लोगों ने जो है उस एडवर्टाइजमेंट को देखा और कब देखा, और वो सारा जो उनका डेटा है वो नहीं वो लर्न कर सकते, याद कर सकते, वो नहीं मेंटेन कर सकते। कस्टमर इतना डेटा मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कस्टमर आपको रिस्पांस दे भी रहा है, मान लीजिए, तो कितना एक्यूरेट दे रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो जो रिजल्ट्स आप निकालेंगे वो भी उतने एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इसीलिए जो अफेक्टिवनेस के जो हम टेस्ट या मेथड्स यूज़ करते हैं वो उतने रिलायबल हैं या नहीं है, इसमें अभी भी डाउट रहता है। डिफ़िकल्ट टू यूज़ लेबॉरेटरी टेस्ट, अभी हम देखेंगे कई तरह के हम लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं अपने ऑडियंस पे। मान लीजिए हमने एक ऐड चलाई आपके आगे, या हमने एक स्लोगन का पहला अक्षर बोला और आपसे पूछा कि आप बाकी का स्लोगन कंप्लीट करो। हो सकता है 10 में से 5 लोग उस स्लोगन को कंप्लीट कर दें, 2 लोगों ने कोशिश की लेकिन गलत बोला, 3 ने बिल्कुल ही नहीं पहचान पाए, क्या, क्योंकि उन्होंने शायद वो सुना ही नहीं, राइट। इसके लिए हम कई तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1-2 के नाम भी आपको दे रखे हैं, गैल्वेनोमीटर, प्यूपिलोमीटर, टेटिस्टोस्कोप, राइट। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसका इस्तेमाल हम करते हैं, हर जो व्यक्ति है वो इनको इतने अच्छे से एक्यूरेटली इस्तेमाल करना भी नहीं जानता, राइट। तो ऑब्वियसली जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे अगर हम उसके साथ फेमिलियर नहीं हैं, हमारे लिए डिफ़िकल्टी है, तो शायद हम इन चीज़ों को स्किप करने की कोशिश करते हैं, हम इन चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है वो कम्प्लीट नहीं हो पाता। डिफ़िकल्टीज ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स, सैम्पलिंग मैथड मतलब क्या है, अभी एक ही कस्टमर से आप रिस्पॉन्स नहीं पूछ सकते ना, आप क्या करेंगे, आप कुछ ऑडियंस है उसमें से आपने रेंडमली 10 लोगों को ले लिया और उनसे कुछ क्वेश्चनियर भरवाए और उसके बाद आपने उसमें से रिज़ल्ट निकाले, अब सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, पहली तो ये बात। अब इन अगर मैं अपने देश की बात करूँ, देश तो बहुत बड़ा है, अगर मैं एक स्टेट की बात करूँ, इवन एक एरिया की बात करूँ, यहाँ पे भी सैंपल इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस सैंपल की आप बात कर रही हो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सारों को रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है कोई इसमें पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई वर्किंग क्लास है, कोई बिजनेसमैन है, सबकी अलग अलग नेचर, अलग अलग सोच और अलग अलग सरकमस्टांसेस हैं। तो सैंपल तो ऐसा होना चाहिए ना जो सारे समूह का, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, राइट, और बायस्ड ना हो, ठीक है। आप कौन से एरिया का सैंपल ले रहे हो, किस तरीके से लोगों से पूछताछ कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सैम्पलिंग मेथड भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम टेस्ट देख रहे हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा हम 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकते कि हमारा एडवर्टाइजिंग बढ़िया है या नहीं है, या इफेक्टिव है या नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस पता लगती है उसके रिजल्ट से। अगर रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो मे भी हम कह सकते हैं कि हाँ, एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़िया है। पर ज़रूरी नहीं है, कारण क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के पीछे काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपका जो नॉलेज है वो अधूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या क्या मुश्किलें हमारे सामने आ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टेस्ट्स की, जो हम विज्ञापन से पहले और विज्ञापन के एकदम बाद, या फिर कंकरेंट जो टेस्ट हैं वो करके देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।